फ्रेंड आप सोच रही हो कैसे अप्लाई करें आईपीओ के अंदर। दोस्तों आईपीओ के अंदर अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामने लाइव दोस्तों डेमो नहीं है दोस्तों, यूट्यूब के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे डेमो वीडियो मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको लाइव अप्लाई करके देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जीरोधा के अंदर आ चुका हूं दोस्तों। नीचे देखिए दोस्तों बिट्स ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपके पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बिट्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखिए आईपीओ है। आईपीओ का दोस्तों यहाँ पे अभी तक खुला है, 1, 2, 3, 4 आईपीओ खुला है। आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, मैं ऑलरेडी इंडिविजी पे लगा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। मैं अभी आपके सामने इंफ्रा इंजीनियरिंग यहाँ पे अप्लाई करके देखा हूँ। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर टाइप, अगर आप इंप्लॉय है कंपनी का, अब मैक्सिमम इन्वेस्टर दोस्तों इंडिविजुअली होता है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए आईपीओ स्टेटस देख लीजिए। सबसे पहले आपको आईपीओ ऑफर स्टार्ट हुआ था 22 तारीख, खत्म हो जाएगा दोस्तों 26 तारीख तो आईपीओ एंड हो जाएगा। मतलब 26 तारीख के बाद आप और आईपीओ में पैसा लगा नहीं पाओगे। मतलब आपके पास लास्ट डेट 26 तारीख है। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 27 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 28 तारीख को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। डीमैट ट्रांसफर होगा 28 तारीख को और लिस्टिंग होगा 29 तारीख को। चलिए अभी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे देखिए रीड हियरिंग पे क्लिक करके आप कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी ले सकता है। कंपनी का क्या रिस्क फैक्टर है, कंपनी का फाइनेंस कंडीशन क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर किया हूँ। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने का दोस्तों पहले आप UPI ID भर लीजिए। UPI ID भरने का दोस्तों यहाँ पे देखिए बीडिंग ऑप्शन 3 है दोस्तों, 3 है। आप चाहे तो 1 बिल लगा सकते हैं, नहीं तो 2 बिल लगा सकते हैं, नहीं तो 3 बिल लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए 1 बिल का कीमत है देखिए 14,948 रुपया है दोस्तों, लेकिन मेरे को 3 बिल ही लेना है, इसलिए मैं इसका 3 डबल कर देता हूँ। 101 का अगर 3 डबल करेगा तो 303 हो जाता है दोस्तों। चलिए अभी देखिए पैसा कितना ज़्यादा हो चुका है, 44,844 रुपया। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन इज प्रोसेस यू विल बी रिसीव ए UPI मैंडेट ऑन्स इन द IPO मार्केट ओपन एक्सेप्ट बाय द 5 PM और 26 तारीख। मतलब दोस्तों अभी यहाँ पर तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका जो फोन पे या आपने जो UPI ID दिया है, UPI ID पे आपके एक पेमेंट करने का पॉपअप जाएगा, मतलब मैसेज जाएगा, वहाँ पर से आपको पेमेंट कंप्लीट करना है दोस्तों। पेमेंट कंप्लीट करने का दोस्तों आपका काम। देखिए फिर अभी यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए आपको स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, अलॉटमेंट 0 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब आप पेमेंट कर दोगे वहाँ पर जाके आपका गूगल पे या फोनपे से पेमेंट कर दोगे तो अभी यहाँ पे दोस्तों सबमिट लिखा हुआ। देखिए दोस्तों मैं NTPC के अंदर पैसा सबमिट कर चुका हूँ, मतलब पैसा पेमेंट कर चुका हूँ, जिसे सबमिट दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी जिस अलॉटमेंट का डेट पर आपको देखने को मिलेगा कितना अलॉटमेंट मिला दोस्तों। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस वजह से आप किसी भी टाइम आप किसी भी IPO के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।